चलो, प्रिंट कल्चर अपने आप में बहुत 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 लेंदी चैप्टर है, ठीक है ना, पकाने वाला भी है ना, पढ़ पढ़ के थक जाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके 10 से 15 आईएमपी क्वेश्चंस अभी आज क्लास में कर ले रहे हैं, जैसे कल हम लोगों ने काय के करे थे, यूरोप के करे थे, ठीक है। तो वो कर लोगे तो तुम्हारा मेजर चैप्टर जी क्या कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली कहानी है क्या, प्रिंट इन चाइना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो कहानी लिखी हुई है प्रिंट इन चाइना, ये स्टार्टिंग से लेके यानी कि 85-94 से लेके 19 सेंचुरी तक पूरी कहानी दे दी है चाइना की। आ रही बात समझ में, जो तुम लोग बुक खोलोगे तो अलग अलग टाइम पर आएगी ना, ये सारी कहानी यहाँ पर एक टाइम पर ही हम लोगों ने क्या कर दी है, लिख दी। तो सबसे पहली कहानी कि सबसे पहली जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ डेवलप हुई, चाइना जापान और कोरिया में। कहाँ डेवलप हुई, चाइना जापान और, ठीक है। फिर सेकंड बोला क्या कि चाइना जो थी वो चाइना में बुक कैसे बनती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनती थी, जो पेपर को हम लोग एक इंक सरफेस से रब करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पेपर को इंक सरफेस से रब करते थे, और इस चीज को हम लोग क्या कहते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। आई बात समझ में, क्योंकि ये जो पेपर होता था ये बहुत थिन पोरस शीट होती थी, क्योंकि ये जो पेपर होता था ये थिन पोरस शीट होती थी, इसलिए जो चाइनीज अकॉर्डियन बुक थी वो दोनों साइड पे प्रिंट नहीं हो सकती थी, और क्योंकि चाइनीज अकॉर्डियन बुक दोनों साइड पे प्रिंट नहीं हो सकती थी, इसलिए इसको एक साइड पे ही प्रिंट करते थे और एक साइड पे क्या करते थे, इसको स्टिच कर देते थे, ठीक है। बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर्स होते थे, बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर्स होते थे, जो क्या करते थे, इसको बहुत आसानी से ड्यूप्लीकेट करते थे एक्यूरेसी के साथ, और इस पे कैलीग्राफी भी यूज करते थे। बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर्स थे जो इसको क्या करते थे, ड्यूप्लीकेट करते थे और एक्यूरेसी के साथ इसको क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे, ठीक है। यहाँ से चाइना से जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि जो इम्पीरियल स्टेट था चाइना का, वो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल का, वो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था प्रिंट मटेरियल का क्यों। तो हम लोगों ने लिखा है कि चाइना में बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू, किसके थ्रू, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करता था, बंदे इलेक्ट सिलेक्ट करता था, आ रही बात समझ में, काम करने के लिए पर्सनल अपने इलेक्ट करता था, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक जो रहती थी इसके लिए प्रिंट करनी पड़ती थी, और कहाँ प्रिंट होती थी, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट, यानी कि इसका पूरा पैसा कौन देती थी, चाइनीज गवर्नमेंट देती थी, और ओवर द इयर्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इन एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे थे वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। आ रही के बात समझ में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इंपीरियल स्टेट जो था वो अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में क्या करता था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू पर्सनल रिक्रूट करता था, ठीक है। और इस एग्जामिनेशन के लिए जो टेक्स्ट बुक थी वो लार्ज स्केल पे क्या होती थी, प्रिंट होती थी, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट। ओवर द इयर्स इस एग्जामिनेशन को देने वाले बच्चे क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, स्टूडेंट्स क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, और इसलिए वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी बढ़ गया था, ठीक है। ये तो हुई कब, जब प्रिंट नया नया आया था। फिर कहानी किसकी है, 17 सेंचुरी में जैसे जैसे अर्बन कल्चर ब्लूम हो रहा था चाइना में, प्रिंट के यूजेस डाइवर्सिफाई होते, यानी कि अब सिर्फ आप पढ़ाई के लिए प्रिंट नहीं यूज कर रहे थे, मर्चेंट्स अपने प्रिंट जो थे, मर्चेंट्स मतलब होता है बिजनेसमैन, अपने एवरीडे लाइफ में क्या कर रहे थे, प्रिंट यूज कर रहे थे टू कलेक्ट ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। रीडिंग लेजर एक्टिविटी, लोग टाइम पास के लिए पढ़ने लग गए थे। तुम लोग सोचो कि टाइम पास के लिए लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, पर ठीक है, चाइना में करते थे। नेक्स्ट, न्यू रीडरशिप में क्या आ गया था, फिक्शनल नरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज, ये सारी चीजें क्या हो गई थी, आ गई थी, और रिच वुमेन भी पढ़ने लग गई थी, स्कॉलर्स की वाइफ जो थी वो पढ़ने भी लग गई थी और अपने वर्क्स पब्लिश भी करने लग
अपनी सारी चीजें क्या कर देते, प्रिंट कर देते थे, और ये बहुत ज्यादा डिमांड में थी क्योंकि ये क्या थी, सस्ती थी। थर्ड, प्रिंट इन एडो, एडो क्या है, टोकियो। आई बात समझ में, वहां पर भी फ्लरिश हो रहा था। कहां पर? अर्बन सर्कल्स, मतलब सिटी वाले एरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। आई बात समझ में, यहाँ पे पेंटिंग्स दिखा रहे थे, और पेंटिंग्स में भी क्या दिखा रहे थे, एलिगेंट अर्बन कल्चर दिखा रहे थे, जिसमें आर्टिस्ट होते थे, कोटेशंस होते थे, और टी हाउस गैदरिंग्स होती थी। तो जापान में बहुत बुलेट में फटाफट बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज, 768 टू 780 AD, ओल्डेस्ट बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, सिक्स शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस, ठीक है ना। कौन कौन सा मटेरियल प्रिंट होने लग गया था? कार्ड्स, पेपर मनी, टेक्सटाइल्स। चीप बुक्स प्रिंट पब्लिश कर रहे थे कौन? पोएट्स और प्रोज राइटर्स, क्योंकि ये चीप थी तो इनकी डिमांड ज्यादा थी। एडो या फिर टोक्यो में अर्बन सर्कल्स ने बुक्स क्या करना करती, रीड करना स्टार्ट करी थी। इसमें प्रिंटिंग में पेंटिंग्स भी प्रिंट होती थी, जो एक एलिगेंट अर्बन कल्चर दिखाती थी, इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोटेशंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स। क्लियर है? ठीक है, तो सुनो, पेपर यूरोप किससे पहुंचा? चाइना से। कौन से रूट से? सिल्क रूट से। कौन से रूट से? आई बात समझ में, जब पेपर पहुंचा तब क्या होता था, स्क्राइब्स होते थे। रुको, स्क्राइब्स क्या होते थे? स्किल्ड राइटर्स होते थे, स्किल्ड कॉपीस्ट होते थे, जो एक मटेरियल देख के दूसरी जगह पे अच्छे से क्या करते थे, कॉपी कर देते थे। लेकिन ये बहुत, या इनकी सर्विसेज क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। आई बात समझ में, ठीक है। तो पेपर कहाँ से आया? चाइना से। पेपर कहाँ से आया? चाइना से। किसके थ्रू आया? सिल्क रूट के थ्रू। किसके थ्रू आया? सिल्क रूट के थ्रू, ठीक है ना। अब मार्को पोलो क्या करा? इटली पहुंचा। कहाँ से पहुंचा? चाइना से। कब पहुंचा? 1295। कौन? मार्को पोलो। चाइना से कहाँ पहुंचा? इटली पहुंचा। कब पहुंचा? 1295 में पहुंचा, ठीक है। वहां से वो क्या लेकर आया? टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या लेकर आया? टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर आया, और ये टेक्नोलॉजी इवेंचुअली यूरोप में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। किस किस चीज के लिए? टेक्सटाइल्स के लिए, कार्ड्स के लिए, रिलीजियस पिक्चर्स के लिए, जिसमें छोटा मोटा टेक्स्ट लिखा हुआ रहता था। इसके बाद यूरोप में जोहान गटेनबर्ग ने क्या करा? प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और जो पहली बुक प्रिंट हुई वो क्यों हुई? बाइबल। स्टाइल प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड प्रिंट करने के लिए, और रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए। फिर 1430s में जोहानबर्ग ने क्या करा? जोहान गटेनबर्ग ने क्या करा? पहला प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया, और जो पहली बुक पब्लिश हुई या प्रिंट हुई वो क्या थी? बाइबल थी, ठीक है। इसके बाद फॉर द नेक्स्ट 100 यूरोप, अलग अलग पार्ट ऑफ यूरोप में कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हो रहे थे। इज दैट क्लियर? गटेनबर्ग प्रेस अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज जोहान गटेनबर्ग, ठीक है। तो कौन था ये? जर्मन गोल्डस्मिथ था और इन्वेंटर था। इन्वेंटर इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था, ठीक है। इसने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस करी थी कहां पर? यूरोप में। एक्सप्लेन हिज रोल इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, हाउ डिड ही डेवलप प्रिंट टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने बोला, जो गटेनबर्ग था उसका जो बैकग्राउंड है, गटेनबर्ग का जो बैकग्राउंड है, उसी बैकग्राउंड से समझ में आता है कि उसने क्या किया था, क्योंकि वो एक मर्चेंट का सन था। उसने बचपन से क्या देखे थे? वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखे थे। इसने स्टोन्स को पॉलिश करने का आर्ट सीखा था। वो एक गोल्डस्मिथ बना। चार चीजें, सन ऑफ अ मर्चेंट, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ, और इसके पास एक्सपर्टीज थी टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। कभी कभी वन मार्कर्स में या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि ट्रिंकेट क्या होता है, तो हमने बोला ये स्मॉल आइटम ऑफ ज्वेलरी होता है, जो बहुत सस्ता होता है और लो क्वालिटी का होता है।
ठीक है, ऑलिव प्रेस बिकेम द बेस मॉडल, जो इसने यहाँ पर ऑलिव प्रेस से सीखे थे वो बेस मॉडल था प्रिंटिंग प्रेस का, और जो यहाँ इसने मोल्ड्स बनाना सीखे थे लेड के, इससे इसने क्या करा मेटल टाइप्स कास्ट करे अलग अलग लेटर्स के, इससे इसने क्या करा मेटल टाइप्स कास्ट करे अलग अलग लेटर्स के। तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि ऑलिव और वाइन प्रेस, तो वो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना, जो इसने लेड मोल्ड्स बनाना सीखी इससे इसने क्या बनाया मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, 1448 में इसने पूरा सिस्टम क्या करा परफेक्ट करा। 1459 में गटेनबर्ग ने इसकी 42 लाइन की बाइबल पब्लिश करी, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं गटेनबर्ग बाइबल। ठीक है, और 180 कॉपीज प्रिंट हुई थी पहले 3 साल में, विद इन 3 ईयर्स, कुछ पेपर पे और कुछ वेलम पे। वेलम क्या होता है, एनिमल स्किन होती है जिसपे आप प्रिंटिंग करते हो, सिर्फ अमीर लोग इसको क्या कर पाते हैं अफोर्ड कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि मेनी हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस इन विच विद इन विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉज क्या था, प्रिंट कल्चर था। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है अभी आया है, देखो 2009 में भी आया है, 10 में भी आया है, 11 में भी आया है, और उसके बाद पे भी आया है। ठीक है, तो इसके जो की पॉइंट्स है वो पहला है कि प्रिंट कल्चर की वजह से जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उनके आइडियाज क्या हो रहे थे, लोगों तक पहुंच रहे थे। ठीक है ना, तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। इसने किस किस को अटैक किया था, तो हमने बोला इसने अटैक किया था चर्च की अथॉरिटी को, डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट को, यानी कि स्टेट के पास जो था वो अनलिमिटेड पावर था। ठीक है ना, और किसके आइडियाज उसने हाईलाइट किए थे, वोल्टेयर और रोसे के। तो इस पॉइंट को अगर तुम फ्रेम करोगे तो बोलोगे प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स लाइक वोल्टेयर एंड रोसे, ही इट अटैक द अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड डेस्पोटिक पावर ऑफ द। ठीक है, फिर प्रिंट कल्चर क्या लाया था, न्यू कल्चर लाया था डायलॉग और डिबेट का। पहले कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करता था, लेकिन अब डायलॉग और डिबेट हो रहा था, लोग क्वेश्चन कर रहे थे एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीफ को, लोग क्या कर रहे थे एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीफ को क्वेश्चन करने लग गए थे। ठीक है, लिटरेचर ऑफ 1780s मॉक्ड रॉयल्टी, ठीक है, मतलब रॉयल्टी मतलब अमीरों का मजाक उड़ाया, क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी, ठीक है, एंड द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। ठीक, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, लोगों के माइंड तो शेप करेगी, और लोग अब दूसरी तरीके से सोच पा रहे थे बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये क्या लेकर आए, मास कम्युनिकेशन लेकर आए। आई बात समझ में, जैसे कि न्यूज़पेपर, जर्नल्स और चैट बुक्स, जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल थी, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से लोगों के जो दिमाग थे उसको प्रिंट ने क्या करा, बहुत अलग तरीके से इफेक्ट किया। सो हाउ डिड प्रिंट कल्चर ब्रिंग अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहला आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर वर्स पॉपुलराइज्ड थ्रू प्रिंट, कौन से एनलाइटनमेंट थिंकर, वोल्टेयर एंड रॉसर। ठीक है, इन आइडियाज में इन्होंने क्या किया, अटैक द अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग और डिबेट आया, लोग एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीव्स को क्वेश्चन करने लग गए। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म था वो किस चीज पे होने लग गया था, दे मॉक्ड रॉयल्टी, क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी एंड एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, अब प्रिंट जो थे वो क्या हो रहे थे, लोगों को नए तरीके से सोचना सिखा रहे थे, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, और क्योंकि मास कम्युनिकेशन के मोड्स बहुत ओपन हो गए थे बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, जैसे कि न्यूज़पेपर, जर्नल और चैप बुक्स, जिससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वेदर इट्स वॉर, वेदर इट्स ट्रेड या फिर कोई रिफॉर्म, ये सारे दुनिया भर में क्या होने लग गए थे, स्प्रेड होने लग गए थे। और इन सारी वजह से प्रिंट इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? याद हुआ? Restrictions were imposed by Vernacular Press Act on the Indian Press. Explain. In what ways Vernacular Press Act of 1878 was repressive step by the government? Explain. तो Vernacular Press Act पूछा है, तो हमको ये क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना
है, तो हम लोगों ने बोला वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? सबसे पहली बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी। कब लेकर आई थी? 1878 में। कब लेकर आई थी? 1878 में। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट था उसको एक्सटेंसिव राइट मिल गया था किस चीज का? सेंसर करने का, रिपोर्ट्स और एडिटोरियल। सेंसर मतलब होता है डिसाइड करना ये पब्लिश होगा कि नहीं होगा। तो वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स में, वर्नाक्यूलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स जो आते थे उसमें कोई रिपोर्ट है या कोई एडिटोरियल है तो उसको कौन सेंसर करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसर करेगी। आई बात समझ में? और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, रेगुलरली वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ पब्लिश नहीं कर रहे हैं। फॉर एनी रिपोर्ट, अगर कोई भी रिपोर्ट ऐसी होती थी जो एंटी ब्रिटिश रूल होती थी कि ब्रिटिश रूल क्या है गलत है, तो न्यूज़पेपर को क्या किया जाता था? वॉर्न किया जाता था कि अगली बार ऐसा कुछ पब्लिश मत करना। लेकिन उसके बाद भी अगर पब्लिश कर देते थे तो वो लोग उसका क्या करते थे, प्रेस सीज कर लेते थे और उसकी मशीन भी कॉन्फिस्केट कर लेते थे। दिस इज योर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी 1878 में लेकर आई थी, जिसमें गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर्स मिल गए थे टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स। कहाँ पर? वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी हमारे वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स की। अगर कोई आर्टिकल या कोई रिपोर्ट या फिर कोई एडिटोरियल एंटी ब्रिटिश रूल दिखता था तो न्यूज़पेपर को पहले वार्न किया जाता था, और अगर फर्स्ट वार्निंग के बाद भी न्यूज़पेपर क्या करता था, फिर से ऐसा कुछ पब्लिश करता था तो वो उसकी मशीनरी क्या कर लेते थे, कॉन्फिस्केट कर लेते थे। इज दैट क्लियर? रिफॉर्मर्स की कहानी आती है। अगर एग्जाम में रिलीजियस रिफॉर्मर्स की क्या आती है, कहानी आती है, तो ये जो आंसर है, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी मीन टू रिफॉर्मर, इस आंसर में हमने दोनों रिफॉर्मर्स की बात करी है, एक तो इंडिया की भी और दूसरा यूरोप की भी। तो सबसे पहले बात करिए हम लोगों ने यूरोप की। इन 1517 रिलीजियस रिफॉर्मर कौन था? मार्टिन लूदर। कौन था? मार्टिन लूदर था। मार्टिन लूदर ने क्या करा था, 95 थीसिस लिखी थी। क्या लिखी थी? 95 थीसिस लिखी थी, जिसने बताया था रोमन कैथोलिक चर्च कितना करप्ट है और उसकी प्रैक्टिसेस कितनी गलत है। आ रही है बात समझ में? तो हाँ इसने किस चीज को क्रिटिसाइज किया था? प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च की। आई बात समझ में? और इसकी एक प्रिंटेड कॉपी कहाँ पोस्ट कर दी थी? चर्च के डोर पर, ऑन विटेनबर्ग। तो इसने क्या किया था, चर्च को क्या करा था, चैलेंज किया था। लूदर की राइटिंग्स बहुत सारे नंबर्स में क्या हुई, पढ़ी गई, रिप्रोड्यूस हुई, मतलब बहुत ज्यादा प्रिंट हुई और बहुत लोग पढ़ने लग गए। और इसी वजह से जो कैथोलिक चर्च था या जो चर्च था वो दो लोगों में डिवाइड हो गया, एक रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, मतलब वो लोग जो चर्च को नहीं मानेंगे, सिर्फ किसको मानेंगे, बाइबल को मानेंगे। ठीक है, तो लूदर की राइटिंग जो थी वो वाइडली पब्लिश हुई। ठीक है, और इस वजह से चर्च का क्या हुआ, डिविजन हो गया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इंडिया में जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे वो क्या करने लग गए, अपने आइडियाज देने लग गए किस चीज पे, रिलीजियस बिलीव्स पे। आ रही है बात समझ में? जैसे कौन कौन से मेथड्स थे, इमोलेशन, मोनोथीज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड और आइडोलेट्री। ठीक है, मोनोथीज्म मतलब एक भगवान को मानना, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड मतलब वो जो ब्राह्मण हम लोग को बोलते हैं कितनी सेवा करवाना, और आइडोलेट्री मतलब होता है मूर्ति पूजा, कि आप भगवान आपके मन में है तो आप उसको एक इमेज के फॉर्म में क्यों प्रे कर रहे हो। ठीक है, ज्योतिबा बोला फुले कौन था, एक मराठा पायनियर था जिसने हमारे यहाँ क्या चलाया था, लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया था, किसके अगेंस्ट, जो इनजस्टिस होते थे किसके अगेंस्ट, लो कास्ट वालों के साथ। और इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, गुलामगिरी। ठीक है, 20th सेंचुरी में महाराष्ट्र में B.R. अंबेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर मद्रास में, इन लोगों ने भी क्या करा था, कास्ट को लेकर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? चलो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, रोल ऑफ विमेन जो है, इंडिया वाली कहानी है ना, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी इकट्ठी कर रहे हैं। पहली बात, विमेन की लाइफ प्रिंट आने से कैसी चेंज हो गई,
और विमेन ने क्या क्या किया खुद की एजुकेशन और प्रिंट कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो हम लोगों ने बोला कि जो विमेन की लाइफ थी वो क्या हो गई, बहुत चेंज हो गई प्रिंट कल्चर के आने से। विमेन अपनी ही लाइफ के बारे में बहुत इंटेंस वेव्स में क्या हो गई, वेव्स में लिखने लग गई। स्पेसिफिकली मिडिल क्लास होम में विमेन की रीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई बात समझ में? लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स जो थे उन्होंने क्या करा, अपने घर की विमेन फोक को एजुकेट करना स्टार्ट किया, उनको स्कूल भेजना भी स्टार्ट किया। और स्पेसिफिकली क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में स्कूल सेटअप हुए स्पेसिफिकली किसके लिए, विमेन के लिए। ठीक है, बहुत सारी जर्नल्स ने विमेन द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स को क्या करना गया, पब्लिश करना गया। और इन आर्टिकल्स में क्या लिखा होता था कि विमेन को एजुकेट क्यों करना चाहिए, आ रही है बात समझ में? और बहुत बार सिलेबस भी दे देते हैं होम बेस्ड स्कूलिंग का, आ रही है बात समझ में? हालांकि जो हमारे आगे इंडिया के कंजर्वेटिव्स थे जो नहीं चाहते थे कि विमेन पढ़े, उनके हिसाब से हिंदूज को लगता था कि एक लिटरेट गर्ल विडो हो जाएगी, और मुस्लिम्स को लगता था कि एजुकेटेड वुमेन जो है वो करप्ट हो जाएगी उर्दू रोमांसेस पढ़। ठीक है, अब क्योंकि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वुमेन एजुकेशन पे, तो जो रेबेल वुमेन थी इनको क्या करा, डिफाई किया। एग्जाम्पल देके रखा है, सबसे पहले ईस्ट बंगाल का, ये वन मार्कर्स के हिसाब से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, राज सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल थी जिसने क्या करा, किचन की सीक्रेसी में पढ़ाई कर ली, और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जुबान, जो कब पब्लिश हुई थी, 1876 में। और ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोग्राफ बायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट हुई थी या पब्लिश हुई थी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहली बात ईस्ट बंगाल, दूसरा राज सुंदरी देवी, तीसरा फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, इसका नाम क्या था, अमर जबान, कब आई थी, 1876 में। सिमिलरली महाराष्ट्र में दो ऑथर्स थी, कौन, पहला ताराबाई शिंदे और दूसरा पंडिता रमाबाई। तो तुम्हें दोनों नाम याद होने चाहिए, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, जिसने किसके बारे में लिखा, मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन स्पेशली विडोज। इन्होंने किसके बारे में लिखा, मिजरेबल लाइफ, किसकी मिजरेबल लाइफ, अपर कास्ट हिंदू विमेन स्पेशली विडोज, आई बात समझ में? ठीक है, फिर तमिलनाडु में भी विमेन ने लिखा क्या, तमिल नॉवेल्स में भी विमेन ने क्या लिखा कि विमेन का फॉर सम रीजन उनकी जो है लाइफ क्या है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। 1926 में बेगम रोकिया सखावत हुसैन एक नोटेड एजुकेशनिस्ट थी और लिटरेरी फिगर भी थी, जिन्होंने बोला कि जो वो मेन है जो विमेन को एजुकेशन से रोक रहे हैं वो क्या है, बहुत गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? है प्रिंट पुअर पीपल के लिए इंडिया में, तो अगर ये वाला आंसर कर लेंगे जो दिख बहुत रहा है पर तुम्हें इतना बड़ा एग्जाम में आंसर नहीं आएगा, तो इस आंसर में तुम्हारे वन मार्कर्स भी कवर हो जाएंगे सारे की सारे, और इस आंसर में हमारे वो भी कवर हो जाएंगे क्या, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर वाली कहानी, जहां पर इंडिया का वो पुअर वाली कहानी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज है पब्लिक लाइब्रेरीज खुल गई थी, ठीक है, और पब्लिशर्स जो थे वो क्या करने लग गए थे, स्मॉल चीप बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है ना, बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज, बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज रिच पीपल ने भी क्या करी थी, सेटअप करी थी। बहुत सारे राइटर्स थे जो किसके बारे में लिखने लग गए थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखने लग गए थे कि हम लोग को कास्ट बेसिस पे लोगों के बीच में क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आप सुनो, याद करो ज्योतिबा फुले, ये एक सोशल रिफॉर्मर था, कहाँ का, महाराष्ट्र का, कहाँ का, महाराष्ट्र का, जिसने किसके बारे में लिखा था, पुअर कंडीशन ऑफ लो कास्ट के बारे में लिखा था, कौन सी बुक में लिखा था, गुलामगिरी में लिखा था, कब लिखा था, 1871 में। सिमिलरली बी आर अम्बेडकर की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसने किसके अगेंस्ट बोला था, अपनी किताब में अनटचेबिलिटी के बारे में बोला था। ठीक है, फिर ईवी रामा स्वामी नायकर, जिसका पेन नेम था पेरियार, एग्जाम में वन मार्कर में आ सकता है कि पेन नेम पेरियार किसका था, तो हम लोगों ने क्या बोलना है, ईवी रामा स्वामी अय्यर, जो कहाँ से था, मद्रास से था। ठीक है, और इसने क्या किया था, अगेन कास्ट के बारे में लिखा था।
ठीक है। अब आते हैं क्या, पुअर वर्कर्स और प्रिंट, ठीक है ना। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, फिर ही वो समहाउ क्या लगने लग गए थे, अपने बारे में लिखने लग गए थे। एग्जाम्पल किसका है, काशी बाबा। एग्जाम्पल किसका है, काशी बाबा। काशी बाबा कौन था, एक कानपुर मिल वर्कर था। अगेन वन मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें उसने कास्ट डिस्टिंक्शन के बारे में बात करी थी। आई बात समझ में। एक और कानपुर मिल वर्कर था जिसने जिसका पेन नेम था क्या, सुदर्शन चक्र। क्या नाम था, इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी कि वर्कर्स को क्या क्या परेशानी आती है, और इसको एक कलेक्शन में पब्लिश किया था जिसका नाम था क्या, सच्ची कविताएं। तो ये भी वन मार्कर्स के हिसाब से क्या है, इम्पोर्टेंट है। आ रही बात समझ में, ठीक है। बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने खुद ही अपने लिए क्या कर ली थी, लाइब्रेरी सेटअप कर ली थी, किसको देख के, मुंबई वर्कर्स को देख के। और इन लाइब्रेरीज को फंड कौन करता था, अमीर सोशल रिफॉर्मर्स। आ रही है बात समझ में, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे वर्कर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, लिटरेसी प्रमोट होनी चाहिए। उनको लगता था कि जो गरीब लोग हैं वो ड्रिंकिंग विंकिंग छोड़ के क्या करने लग जाए, पढ़ लिख लगने लग जाए, तो वो इन चीजों को क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे। चलो, क्या मैं रिलीजियस रिफॉर्म्स में दो कहानी देखनी है। इंडिया के रिलीजियस रिफॉर्म्स से दो लोग परेशान थे, कौन, एक मुस्लिम्स और एक कौन, हिंदूज। आई बात समझ में। तो हिंदूज की बात करें तो प्रिंट के आने से ऐसा भी हुआ था कि बहुत लोग क्या करने लग गए थे, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने लग गए थे। आई बात समझ में। रामचरितमानस जो थी तुलसीदास की, वो उसका जो पहला प्रिंटेड एडिशन था वो कहाँ आया था, कलकत्ता में आया था 1810 में। और इस वजह से क्या हो गई थी, रिलीजियस टेक्स्ट बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, वाइड सर्कल ऑफ पीपल में पहुंचने लग गए थे। और क्योंकि ये पहुंचने लग गए थे तो बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, और कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो रही थी अलग अलग रिलीजन्स। आ रही बात समझ में, यानी कि प्रिंट कल्चर जो मॉडर्न आइडियाज लेकर आ रहा था उस पर बहुत सारे क्या होने लग गए थे, डिबेट्स होने लग गए थे हिंदू रिलीजन में। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या लिखी थी, संवाद कौमुदी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमको कैसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए। उसी के अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने संचार संहिता लिख दी थी। आ रही बात समझ में कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। मुस्लिम्स में भी क्या हो गया था, मुस्लिम ने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस यूज करे थे। मुस्लिम्स ने क्या यूज करे थे, चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, पर्शियन और हिंदू ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन लिखा था होली स्क्रिप्चर्स का, ठीक है। दियोबंद सेमिनारी बनी थी कब, 1867 में, जिसने बहुत सारे फतवा, फतवा मतलब होता है रूल्स, जिसमें मुस्लिम रीडर्स को बताया था कि आपको डेली लाइफ में इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स कैसे फॉलो करने चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ था तो यूरोप में भी कुछ कहानी हुई होगी। तो यूरोप की आधी कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि लोगों को लग रहा था कि अगर प्रिंट कल्चर इतना फेमस हो जाएगा तो इरिलीजियस थॉट स्प्रेड होंगे, यानी कि लोगों का चर्च से विश्वास क्या होता जाएगा, उठता जाएगा। इट वॉज फियर्ड इफ देर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड एंड रेड, देन रेबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। और लोग क्या करेंगे, वैल्यूएबल लिटरेचर की वैल्यू भूल जाएंगे क्योंकि ये इतनी वाइडली प्रिंट होगी, ठीक है। मार्टिन लूथर ने यही करा था, जिसकी वजह से क्या होता, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया था, उनको बहुत डर था क्या कि लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा फेथ को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा, पब्लिशर्स को कंट्रोल किया, बुक सेलर्स को भी कंट्रोल किया, और एक इंडेक्स निकाला, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब इस तरह की बुक्स बुक सेलर ना सेल कर सकते हैं और पब्लिशर्स पब्लिश भी नहीं कर सकते हैं, और इसको चर्च के बाहर भी लगा दिया ताकि लोग जो हैं, जो चर्च को फॉलो करते हैं, उन्हें इस तरह की बुक्स पढ़नी नहीं है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इंडिया का भी रिलीजियस हो गया और यूरोप का भी रिलीजियस हो गया। बोलो कोई परेशानी। तो सीबीएसई सैंपल पेपर के एमसीक्यू ही आएंगे अब, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो फटाफट इसको निपटाते जाते हैं। देखो, सबसे पहला है लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
ये इतना लिबर्टी 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 की बात किसने बोली थी, हमारे किसने बोली थी, महात्मा गांधी। नेम द पेपर विच बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड टू केसरी। सुनो, बंगाल गैजेट बाल गंगाधर तिलक वाली जो थी वो जर्नल थी, न्यूज़पेपर नहीं था। आई बात समझ में, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस चीज के लिए था, कि हमारे यहाँ कौन सी चीज पब्लिश हो रही है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गुलामगिरी का थीम क्या था, इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। गुलामगिरी किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। फोर इंडियन वुमेन राइटर्स कौन सी थी, राजसुंदरी देवी, कैलाश वासिनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। सुनो, स्त्री धर्म विचार किसने लिखी थी, राम चड्ढा ने लिखी थी। इसे बताया था कि वुमेन को अपना फैमिली में कंडा कैसे रखना चाहिए, स्पेसिफिकली हिंदू वुमेन को, ठीक है। अमर जुबान की ऑथर कौन है, राजसुंदरी देवी। क्या है अमर जुबान, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्गेस्ट रिटन फुल लेंथ बायोग्राफी है, कायम है बंगाली। आ रही है बात समझ में। इंडिया में कौन से दो बड़े प्रेस थे जो क्या कर रहे थे, रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश कर रहे थे, तो एक थे नवल किशोर प्रेस कहाँ, लखनऊ में, और दूसरा श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। मुस्लिम डायनेस्टीज और कॉलोनियल रूलर्स के लिए जो था उन्होंने क्या किया था, तो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस हमने अभी करा, और पोली स्क्रिप्ट पब्लिश करना स्टार्ट की थी कहाँ पर, उर्दू और पर्शियन में, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, तो पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गैजेट। जो बंगाल गैजेट था वो कौन लेकर आया था, गनाधर भट्टाचार्य, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिकी, हिकी का नाम क्या है पूरा, जेम्स ऑगस्टस हिकी, पूरा नाम क्या है, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसने क्या करा था, ब्रिटिशर बंगाल गैजेट का ये एडिटर था, ये कौन था, बंगाल गैजेट का एडिटर था, और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। आई बात समझ में। फर्स्ट वीकली दैट अपेयर इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वीकली जो अपेयर इन इंडिया थी वो क्या थी, बंगाल गैजेट एक वीकली जर्नल थी। न्यूज़पेपर किसने निकाला था, गनाधर भट्टाचार्य ने, और इसको कौन कौन लेकर आया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी लेकर आया था। आई बात समझ में। कौन कौन सी लैंग्वेज में आई थी, कोंकणी, कनाडा और तमिलनाडु। इंडिया में पहली प्रिंटेड तमिल बुक कौन सी थी, पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी, तो हमने कहा पहली प्रिंटेड बुक एक तमिल ग्रुप बुक थी, जो किसने प्रिंट करी थी, कैथोलिक प्रीस्ट ने प्रिंट करी थी। किसने प्रिंट करी थी, ठीक है। हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, तो हमने कहा मिड 16 सेंचुरी में आया था। कौन लेकर आए थे, पोर्टुगीज मिशनरी लेकर आए थे। कहाँ आया था, गोवा में आया था। कहाँ आया था, गोवा में, ठीक है ना। इंडियन मैनुस्क्रिप्ट्स कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी पहले, तो हम लोगों ने बोला कौन कौन सी, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और बंगाल। ये कहाँ की कहानी हुई, इंडिया की, ठीक है। हु इन्वेंटेड पावर ड्राइवर सिलिंड्रिकल प्रेस, तो रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में इसको इन्वेंट किया था, पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। किसने इन्वेंट किया था, रिचर्ड एम हो ने। इसकी क्या विशेषताएं थी, तो ये 8,000 शीट्स पब्लिश कर प्रिंट कर लेता था 1 घंटे में, है ना, और ये बहुत सारे कलर्स में भी प्रिंटिंग कर लेता था। टू वेमेन नॉवेलिस्ट यूरोप की कौन थी, तो याद रखना, जेन ऑस्टेंस और जॉर्ज बाय, है ना। दो स्कॉलर्स थे जिनकी बातें कौन पढ़ता था, वोल्टेयर और रेसो रॉसे। आई बात समझ में, इनकी वजह से क्या आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट वुड स्वाइप डेस्पोटिज्म अवे। वन मार्कर्स में बहुत आता है, इलेबरेट करने के लिए भी आता है। ये किसने बोला था, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने बोला था। किसने बोला था, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने। ये बहुत सालों से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चैप बुक्स क्या होती थी, पॉकेट साइज बुक्स होती थी। कौन बेचता था, पेडलर्स। इन पेडलर्स को हम लोग क्या कहते थे, चैपमैन बोलते थे, ठीक है।
प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये किसने बोला था? मार्टिन लूथर ने बोला था। What was the basic objective of 95 thesis? तो इनको क्रिटिसाइज करना था रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। बिलोथिक ब्लू क्या थी? लो प्राइस बुक्स थी। कहाँ बिकती थी? फ्रांस में बिकती थी। किस चीज पे पब्लिश होती थी? पुअर क्वालिटी पेपर पे। और इसको ब्लू क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके कवर्स जो होते थे वो ब्लू कलर के होते थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं मार्टिन लूथर की 95 थीसिस के बाद रोमन कैथोलिक चर्च, या फिर ऐसा बोले कैथोलिक चर्च में स्प्लिट आ गया था, और जो नया सेक्ट निकला था क्रिश्चियनिटी का उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। संवाद कौम भी किसने पब्लिश करना स्टार्ट करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन मटेरियल होता है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? पहली बात, ये एक्सपेंसिव होती है, फ्रेजाइल होती है, मतलब बहुत आसानी से कट फट सकती है ना। इनको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है ना। इसको आप कहीं कैरी नहीं कर सकते, इनको आसानी से रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हैंड रिटन तो होती है, यही तो होती है। ठीक है, व्हाट वाज द रोल ऑफ कार्टून एंड कैरिकेचर्स? तो हम लोगों ने पता था कि कार्टून और कैरिकेचर्स का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये रोल था कि जो ऑर्डिनरी लोग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था वो क्या करते थे? उनकी टफ लाइफ के बारे में कार्टून और कैरिकेचर लिखते थे, और ये क्या होता था, वो लोग पढ़ भी लेते थे, उनको मजे भी आते थे, उन्हें समझ में भी आता था गरीब लोगों की हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है। ठीक है, बैलेट्स क्या होती है? हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ फोक टेल, मतलब एक स्टोरी होती है गाने के फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश बुक कौन सी थी जोहान गटेनबर्ग ने जो पब्लिश करी थी? तो क्या थी? बाइबल थी। प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप किया? जोहान गटेनबर्ग ने किया। कब? 1430 में। स्क्राइब कौन थे? स्किल्ड पर्सन थे जो क्या कर सकते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे पब्लिशर्स के लिए। ठीक है, मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर था जो चाइना से प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ लेकर आया था? इटली में लेकर आया था 1295 में। ओल्डेस्ट जापानीज बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट है वुडकट इलस्ट्रेशन के साथ। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल एंड स्टाइलिश हैंड राइटिंग। आई कहानी समझ में? अब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस रटने वाले नहीं है, ये क्या है ना, पढ़कर जाओ समझकर जाओ, और जस्ट इन केस गलती से इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम भी है ना, और आ भी गए तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम इसको सिर्फ थोड़ा बहुत समझ के जाओगे ना, तो कुछ ना लिखने से बेहतर है क्या कि कुछ तो लिखकर देखो, तो तू खुद भूल जाना, डिलीट कर दे। हाँ चलो, तो हम लोग बहुत ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन हम लोग को रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीडिंग मेनिया पे, किस पे क्वेश्चन आता है? रीडिंग मेनिया पे। तो प्रिंटिंग प्रेस ने एक न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे क्रिएट करी? रीडिंग मैनिया क्या था? तो हमने कहा क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई थी तो एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई। ठीक है, बुक्स मार्केट में फ्लड हो गई है ना, एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग आया, जहां पर अभी तक जो कॉमन पीपल थे वो एक ओरल कल्चर में रहते, जो पढ़ लिख पाते थे वो क्या करते थे, पढ़ लेते थे, और जो पढ़ लिख नहीं पाते थे वो इनकी बातें सुन लेते थे। आ रही बात समझ में? तो जब बुक्स आई तो शुरू शुरू में जब बुक्स आई वो एक्सपेंसिव थी, बाद में जब ये सस्ती होने लग गई तो लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, लिटरेसी रेट बढ़ गया तो लोग विलेजेस में भी पढ़ लिखने लग गए। चर्चेस ने क्या करा? हाँ, चर्चेस ने भी क्या करा, बहुत सारे स्कूल खोले रूरल एरियाज में, जिससे लोग क्या हो जाए, पढ़ना लिखना सीख जाए, और इससे रीडिंग पब्लिक क्या हो गई, इमर्ज हो गई। आ रही बात समझ में?
चैप बुक्स क्या थी, चैपमैन सेल करते थे, पॉकेट वाली बुक्स थी, है ना, सारा सस्ता सस्ता चीज थी। प्रिंट कल्चर के आने से साइंटिफिक आइडियाज भी स्प्रेड होने लग गए थे, जैसे कि आइजैक न्यूटन अपनी डिस्कवरीज क्या करने लग गया था, पब्लिश करने लग गया था। ठीक है, तो जो साइंटिफिकली माइंडेड लोग थे उसको इसकी राइटिंग्स क्या लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और जैसे कि कुछ फिलोसॉफर्स थे, थॉमस पेने, वोल्टेयर, रॉसे, इनकी आइडियाज भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए थे। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर कौन था, एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट था और एक नॉवेलिस्ट था। ठीक है, इसने बोला था कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो दुनिया को क्या करने वाली है, बदलने वाली है। इसने क्या बोला था, ट्रेम्बल देयर फोर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये इसने किसके लिए कहा था, प्रिंटिंग प्रेस के लिए क्या था? कहा था। जेम्स ऑगस्ट हिकी जो था, बंगाल गैजेट को एडिट करता था, जो एक वीकली मैगजीन थी जिसमें ये मौकरी करता था या मजाक उड़ाता था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल का। इसीलिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको क्या किया था, परसिक्यूट किया था। बंगाल वीकली मैगजीन। गैजेट ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने क्या पब्लिश किया था, संवाद कोप्ति। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने इसको अपोज करने के लिए समाचार चंद्रिका पब्लिश करी थी। दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स के नाम याद रखने हैं तुम्हें, कौन से, जामी जहान नामा और शमशूल अकबर। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ फ्रीडम की प्रेस को कंट्रोल करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो लाए थे, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के पहले भी बहुत सारे एक्ट आए थे। पहला 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंसरशिप की बात करी थी। ठीक है, इंग्लिश मैन इन इंडिया ने बोला कि जो कंपनी है वो गलत तरीके से क्या कर रही है, राज कर रही है। तो कंपनी को लगा ये सब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने प्रेस को कर्ब करने की कोशिश करी। कैलकटा सुप्रीम कोर्ट, किसने, कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल किया और कंपनी ने उन न्यूज़पेपर्स को एनकरेज किया जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करती थी, मतलब जो ये बोलती थी कि ब्रिटिश रूल क्या है, अच्छा है। आ रही बात समझ में? बट 1835 में इंग्लिश और वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स को गवर्नर जनरल बेंटिक ने क्या बोला कि नहीं, हमने फ्रीडम की प्रेस क्या कर ली है, बहुत ज्यादा क्या कर ली है, ज्यादा कर दी है और प्रेस को कंट्रोल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेस लॉ को रिवाइज करेंगे। थॉमस मैक्यूले ने जितनी पुरानी आजादी प्रेस को दी जाती थी वो सारी क्या कर ली, रिस्टोर कर ली, कि अब जो छापना है छापो। आ रही बात समझ में? फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। Is that clear? Printing में कौन-कौन सी इनोवेशन आई थी, गटेनबर्ग प्रेस में कौन-कौन सी इनोवेशन आई थी? तो सबसे पहले मेटल प्रेस आया था। अब जो प्रेस था वो पहले वुड ब्लॉक से बंद था, अब कैसे बनने लग गया था, मेटल से। दूसरा रोटरी प्रिंटिंग प्रेस आया था, किसने बनाया था, रिचर्ड एम को ने, कहां पर, न्यूयॉर्क में, जो एक टाइम पर कितनी शीट्स 1 घंटे में पब्लिश कर प्रिंट करता था, 8,000। ठीक है, ऑफसेट प्रेस आया था, ऑफसेट प्रेस क्या करता था, एक टाइम पे 6 कलर्स प्रिंट कर लेता था। बाद में आए थे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस, ठीक है, 20th सेंचुरी आने से जस्ट पहले, जिसमें सारी चीजें इन्होंने क्या कर दी थी, मैकेनाइज कर दी थी। मैकेनाइज मतलब आपको हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेपर फीड करना है, प्लेट्स अच्छी बना दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल आ गए थे जिससे ह्यूमन वर्क बहुत कम हो गया था और मैकेनाइजेशन हाई लेवल पे क्या हो गया था, बढ़ गया था। ये क्या थी, इनोवेशंस थी। राजा रवि वर्मा क्या था, एक फेमस पेंटर था, अगेन वन मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
जिसकी पेंटिंग्स क्या होने लग गई थी, बहुत ज्यादा मास सर्कुलेशन में आने लग गई थी, और इसकी पेंटिंग्स क्योंकि मास सर्कुलेशन में आने लग गई थी तो बहुत सारे कैलेंडर्स और चीप प्रिंट्स पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ राजा रवि वर्मा नाम याद रखना। प्रिंट कल्चर चिल्ड्रन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था? प्राइमरी एजुकेशन क्योंकि कंपलसरी हो गई थी तो चिल्ड्रन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स हो गए थे। स्कूल टेक्स्ट बुक अपने आप